हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टार्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ लोकेश और आज का टॉपिक है अपना वर्ब क्रिया। जैसा कि मैं अपन पहले देख चुके हैं कि नाउन और एडजेक्टिव अपन पहले समझ चुके हैं, और आज का टॉपिक है अपना वर्ब। अब जानते हैं वर्ब क्या है, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, कैसे इसको देखते हैं। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। देर आर टू टाइप्स, दो तरह के वर्ब होती है। पहली है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या, जैसे जब वर्ब में आई एन जी और ई डी एक्सेप्ट नहीं करता जब कोई भी वर्ड, तो मेन वर्ब नहीं होगी। ठीक है, जब भी कोई जैसे भी कोई वर्ड है, जैसे अगर जैसे गो अगर आई एन जी एक्सेप्ट करता है या ई डी एक्सेप्ट करता है, दोनों में से कुछ भी एक, तो मेन वर्ब है। जैसे गो आई एन जी लग रहा है गोइंग, तो वो क्या हो जाएगी, मेन वर्ब। ठीक है, और जैसे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आप सभी जानते हैं, प्रेजेंट की इज एवर डू डज हैज होती है, पास्ट टेंस की कौन सी होती है, वाज वर डिड हैड होती है, फ्यूचर टेंस की विल और शैल होती है। वर्ब की डेफिनेशन अपन कैसे समझ सकते हैं, वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, किसी एक्शन का करना या होना बताने के लिए मेन वर्ब की जरूरत होती है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसका। यू विल कन्फ्यूजन मी, अभी यहाँ पे देखना है कि ये यहाँ पे सही है या नहीं है। अभी कन्फ्यूजन क्या है, ये वर्ब तो नहीं है, क्योंकि कन्फ्यूजन में आई एन जी और ई डी दोनों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये वर्ब नहीं, तो ये चीज़ क्या है। अब इसमें मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि या तो नाउन होगी या एडजेक्टिव होगी। नाउन कैसे देखते हैं, तुम्हारा तुम्हारी लगा के, जो अपन पहले पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और एडजेक्टिव कैसे देखते हैं, तुम गुड हो तुम बेड हो ऐसे देखते हैं। तो कन्फ्यूजन को कैसे देखेंगे, ये क्या है, जैसे तुम्हारा तुम्हारी लगाओ, तुम्हारा कन्फ्यूजन, हाँ सही बैठ गया, तो ये तो नाउन है। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है, मेन वर्ब आती है, तो यहाँ पे मेन वर्ब चाहिए ना अपन को, ना कि नाउन चाहिए। तो वर्ब इसका कन्फ्यूजन के वर्ब क्या बनेगी, कन्फ्यूज, तो कन्फ्यूज मी, ये सही हो जाएगा। यू शुड एक्शन फास्ट, एक्शन, अब ये क्या है यहाँ पे, ये भी नाउन है, तुम्हारा एक्शन सही बैठ रहा है ना, तो ये नाउन हो जाएगी, तो ये गलत है। अब एक्शन की वर्ब क्या बनेगी, एक्ट, यू शुड एक्ट फास्ट, एक्ट, एक्ट एक्टिंग, आई एन जी ले रहा है, एक्टेड ई डी भी ले रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको, वर्ब क्या होती है, जो ई डी और आई एन जी दोनों में से कुछ भी एक एक्सेप्ट करती है, अगर नहीं करती है तो फिर मेन वर्ब नहीं है वो। ठीक है, तो वो देख लिया करो, कन्फ्यूजन में ई डी और आई एन जी एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा ना, तो ये वर्ब नहीं है। यहाँ पे अपन को वर्ब चाहिए, तो इसको वर्ब बनाओ, कन्फ्यूज, एक्शन को वर्ब बनाओ, एक्ट, एक्ट। ठीक है, आगे इसको अपन ऐसे भी आ सकते हैं कि सुफिक्स होता है इनके वर्ब्स के, जैसे ब्यूटीफाई के, जैसे आई एफ आई होता है ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई वर्ब है सुंदर करना, आई एस ई ये भी वर्ब, ये भी सुफिक्स है, ई एन भी सुफिक्स है, आई जेड ई सुफिक्स है, एडी ही सुफिक्स है, जैसे ए टी किस में आता है, रिलेट, रिलेट वर्ब है ना, जैसे रिलेटिंग, रिलेटेड, आई एन जी और ई डी दोनों एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। तो ये ऐसे या तो ऐसे याद कर लो कि जिसमें ये सब सुफिक्स लगे वो वर्ब होती है, या फिर ऐसे आई एन जी और ई डी लगा के देख लो, सबसे बेस्ट तरीका यही है। जैसे मैंने वर्ब नाउन में बताया था तुम्हारा तुम्हारी करके, एडजेक्टिव में बनाया था तुम गुड हो तुम बेड हो, और वर्ब में बता रहा हूँ ई डी और आई एन जी लगा के, ऐसे पता चल जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, द स्मोक विल ब्लैक द वॉल, सुनने में सही लग रहा है लेकिन एक गलत है, क्यों, ब्लैक क्या है, एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कैसे पता चला, पिछले वीडियो में बताया था कैसे पता करते हैं एडजेक्टिव को, तुम गुड हो तुम बेड हो तुम ब्लैक हो, सही लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। लेकिन यार जगह किसकी है, ये वर्ब आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब के बाद, वर्ब आएगी तो वर्ब के लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, ब्लैक की वर्ब क्या होती है, ब्लैकन, तो ये सही हो जाएगा यहाँ पे, ये वर्ब है ब्लैकन, ब्लैक की, काला करना। हाँ, प्रीफिक्स भी होते हैं, जैसे सुफिक्स हैं वैसे प्रीफिक्स भी होते हैं, जैसे इनकरेज, इनलार्ज, लार्ज की वर्ब क्या होती है, इनलार्ज, करेज की वर्ब क्या होती है, इनकरेज, जैसे प्लीज लार्ज द स्क्रीन, ये गलत है, यहाँ पे वर्ब आनी चाहिए, ये तो एडजेक्टिव है ना, क्यों, कैसे, तुम बड़ो तुम बेड़ो तुम लार्ज हो, यहाँ पे एडजेक्टिव की पोजीशन थोड़ी, ये तो वर्ब की पोजीशन है, तो इसका वर्ब क्या बनेगी, एनलार्ज, ये वर्ब हो जाएगी, ये सही हो गया। ठीक है, अगर ज़्यादा फास्ट समझा रहा हूँ तो आप वीडियो को स्लो करके देख लिया, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको, धीरे धीरे देखना। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, यू विल कंप्लेंट, आई विल कंप्लेंट अगेंस्ट यू, कंप्लेंट, कंप्लेंट क्या है, ये नाउन है, कैसे पता चला मुझे, जैसे मैं बोलता हूँ तुम गुड़ो तुम बेड़ो तुम, नहीं तो ये तो एडजेक्टिव हो गया। नाउन कैसे देखते हैं अपन, तुम्हारा बैग, तुम्हारा पेन, कंप्लेंट, ये क्या हो जाएगा ना, तुम्हारा तुम्हारी लगा के देख लो इसका कैसे बैठा, तो नाउन है सही बैठा, इसलिए गलत है, यहाँ पे नाउन थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे तो वर्ब। अब इसकी वर्ब क्या बनेगी, कंप्लेंट की, कंप्लेन इसकी वर्ब बनेगी, तो आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू, तो यहाँ पे कंप्लेन हो गया।
कंप्लेन आई एन जी ले रहे, कंप्लेनिंग, तो ये वर्ब हो गई। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, द साइंटिस्ट विल एनालाइसिस द डाटा। एनालाइसिस क्या है? नाउन है। कैसे पता चला मुझे? तुम्हारा लगाया इसके आगे मैंने पहले, तुम्हारा एनालाइसिस सही है, सही बेटा है, तो नाउन है। इसका वर्ब क्या बनेगी? एनालाइज, एनालाइजिंग बन रहा है ना इसके साथ, अगर इसको आई एन जी लगाता हूँ तो एनालाइजिंग, तो क्या हो जाएगी? वर्ब। यहाँ पे वर्ब की पोजिशन है तो वर्ब आना चाहिए। ये वाला गलत, ये वाला सही। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, ग्लोबल वार्मिंग विल अफेक्ट अवर एनवायरमेंट। अब यहाँ पे जो इफेक्ट है ना, इफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव। प्रभाव क्या है? नाउन है। क्यों? जैसे पता चल, जैसे इसके आगे तुम्हारा लगाओ, तुम्हारा इफेक्ट सही बन रहा है ना, तो ये नाउन की, नाउन आ रहा है यहाँ पे, ये नाउन की पोजीशन थोड़ी, ये तो वर्ब की पोजीशन, यहाँ पे वर्ब आनी चाहिए, तो ये इसको वर्ब, इसके वर्ब क्या होंगे? इफेक्ट की वर्ब, अफेक्ट, अफेक्ट वर्ब होती है इफेक्ट की, तो ये वर्ब आ गई, ये सही है। ग्लोबल वार्मिंग विल अफेक्ट अवर एनवायरमेंट। अब स्पेशल केस है थोड़ा, ये इफेक्ट के लिए, इफेक्ट है ना एक जगह वर्ब होती है, और कौन सी जगह है? वो ये वाली है, द गवर्नमेंट विल इफेक्ट GST फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। इफेक्ट यानी लागू करना, लागू करने के अर्थ में यहाँ पे इफेक्ट को वर्ब लेते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे इफेक्ट, अफेक्ट नहीं आ सकता, यहाँ पे ये वर्ब है, यहाँ पे नाउन नहीं है, ये इसका अर्थ है लागू करना। अगला देखते हैं, यू विल सक्सेस इन योर एग्जाम। सक्सेस क्या है बताओ, आप बताओ, मैंने बताया था ना कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें ing लगाओ पहले, वर्ब है या नहीं है, वर्ब की पोजिशन है, तो सक्सेजिंग, सक्सेस्ड गलत है ना, होता ही नहीं है, ऐसा वर्ड ही नहीं है, तो ये नाउन है, एडजेक्टिव दोनों में से एक है। नाउन कैसे पता करते हैं? तुम्हारा तुम्हारी लगाओ, तुम्हारी सक्सेज, अरे हाँ ये सही बैठ गया, तो ये क्या है? नाउन है। अपन को यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ पे अपन को चाहिए वर्ब, तो सक्सेज की वर्ब क्या बनेगी? सक्सीड, यू विल सक्सीड इन योर एग्जाम, ये वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, आई विल हाफ माई डाइट। अपन नॉर्मली बोलते हैं, अपन एग्जाम में टिक भी लगाते हैं, हाँ यार मैं तो बहुत सही करके आया था, लेकिन हाफ क्या है? कैसे पता करे हुए? हाफ में आईएनजी लगाओ, हाफिंग, हाफ्ड, वर्ब है? नहीं है। अब ये एडजेक्टिव या नाउन में से कुछ एक है, इसके आगे देखे, तुम्हारा तुम्हारी लगाओ, तुम्हारा हाफ, तुम्हारा हाफ क्या, तुम्हारा हाफ कुछ बोल रहे, तुम्हारा हाफ क्या, मेरा क्या, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, आप ही कुछ आगे मांग रहा है, यानी कि नाउन मांग रहा है आगे, यानी कि ये नाउन तो नहीं है। अब इसको अगर तुम एडजेक्टिव दोगे, तुम गुड हो, तुम बेड हो, तुम हाफ हो, हाँ ये एकदम सही बैठ गया, तो ये क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। तुम गुड हो, तुम बेड से एडजेक्टिव निकालते तो एडजेक्टिव हो गया ही, तो इसकी वर्ब क्या बनेगी? एडजेक्टिव हाफ की, हाल्व, तो ये वर्ब होती है, तो ये हो जाएगा आई विल हाल्व माई डाइट, वर्ब हो जाएगी यहाँ पे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, द RTO विल न्यू माई लाइसेंस। अब न्यू, न्यू यहाँ पे न्यूइंग, इसको वर्ब कैसे चेक करेंगे? ing और ed लगा के, ing लगाओ, न्यूइंग गलत है, न्यूड ये भी गलत है, तो ये भी क्या है? ये नाउन, ये वर्ब तो नहीं है, नाउन एडजेक्टिव में से एक है। एडजेक्टिव कैसे चेक करते हैं? तुम गुड हो, तुम बेड हो, तुम न्यू हो, ऐसे भी सही बन गया, तुम गुड हो, तुम बेड से भी बन गया, तो एडजेक्टिव है। अब मैंने एक और मेथड बताया था उसका, एडजेक्टिव का क्या बताया था? स्टिकर मेथड। कैसे पता करते हैं? इसको एडजेक्टिव को नाउन के आगे रख दो, न्यू स्टूडेंट, न्यू बाइक, बाइक नाउन है, न्यू एडजेक्टिव हो गया, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। अब इसकी वर्ब क्या बनेगी न्यू की? रीन्यू, रीन्यू वर्ब होती है न्यू की, तो यहाँ पे ये बन जाएगा द RTO विल रीन्यू माई लाइसेंस। अब ये जैसे कुछ नाउन से मैंने यहाँ मैंने अच्छे से समझा दिया है ना, अब इनको मैं ये जो बाकी एग्जाम्पल है इनको मैं नाउन से सीधा वर्ब बता रहा हूँ। जैसे सिंपैथी नाउन होती है, इसके वर्ब क्या बनेगी? सिंपैथाइज, सहानुभूति रखना। एडमिशन नाउन है, इसकी वर्ब क्या बनेगी? एडमिट। मॉडर्न, तुम गुड हो, तुम बेड हो, तुम मॉडर्न हो, एडजेक्टिव, इसकी वर्ब क्या बनेगी? मॉडर्नाइज, वर्ब हो जाएगी। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक डिटेल, स्पेसिफिक ये क्या है? वर्ब, ये क्या है? एडजेक्टिव हो जाएगा स्पेसिफिक। ठीक है, स्टिकर मेथड से पता चल जाएगा, स्पेसिफिक डाटा है ना, इसकी वर्ब क्या बन जाएगी? स्पेसिफाई, इसकी वर्ब बन जाएगी। स्पेशल, स्पेशल भी एक एडजेक्टिव, कैसे पता चला? माई स्पेशल फ्रेंड, फ्रेंड क्या है? नाउन है, उसके आगे स्पेशल लग रहा है, यानी कि एडजेक्टिव है, स्टिकर मेथड से। मैंने अच्छे से समझाया है मैंने आपको एडजेक्टिव और नाउन, जिसने वीडियो नहीं देखा हो वो जाके देखे एक बार, अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इंग्लिश पूरी अच्छे से कवर करेंगे, एकदम बहुत अच्छे से। ठीक है, एडजेक्टिव हो जाएगा स्पेशल, इसकी वर्ब क्या बन जाएगी? स्पेशलाइज, वर्ब हो जाएगी। अब स्पेशल, स्पेशल और स्पेसिफिक में डिफरेंस क्या होता है? स्पेसिफिक होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की सटीक जानकारी, पूरी एग्जैक्ट। स्पेशल क्या होता है? दूसरों से ज्यादा इंपॉर्टेंट, माई स्पेशल फ्रेंड, मतलब बाकी लोगों से वो ज्यादा स्पेशल है मेरे लिए। और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन,
किसी मिशन के बारे में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, उसकी सटीक जानकारी, एकदम सटीक जानकारी, वो स्पेसिफिक होता है ना कि स्पेशल, ठीक है। और अगला देखते हैं इंटेंशन। इंटेंशन क्या है? तुम घोड़ो तुम बैठो, ये तो नाउन तो नहीं, ये एडजेक्टिव तो नहीं है। अब इसको नाउन तुम उसको उसके तरह देखो, नाउन चेक करो, ये नाउन है क्या ये? क्योंकि इसमें ईडी और आईएनजी तो लग नहीं रहा, तो वर्ब तो नहीं है और ये एडजेक्टिव भी नहीं, तो बचा क्या? नाउन। तो तुम्हारा तुम्हारे लगा कि नाउन चेक करो, तुम्हारी इंटेंशन सही बैठ गया, इरादा तुम्हारा, तुम्हारा इरादा, तुम्हारी इंटेंशन, ये वर्ब वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, तो नाउन है तुम्हारा लगा के देखा, तो इसकी वर्ब क्या बनेगी? इंटेंड, ये वर्ब हो जाएगी इसकी इंटेंशन की। लॉन्ग 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 रूट, हाँ लॉन्ग रूट, तो ये क्या हो जाएगा? तुम बूढ़ो तुम बैठो तुम लॉन्ग हो, एडजेक्टिव हो जाएगा। या फिर स्टिकर मेरे तरह से लगा के देख लो, लॉन्ग रूट लंबा रास्ता, एडजेक्टिव है, तो इसकी वर्ब क्या हो जाएगी? प्रोलोंग। सिमिलरली लार्ज के लिए, लार्ज केक, ये एडजेक्टिव स्टिकर मेरे तरह से पता चल गया अपन को। या फिर बोलने से डायरेक्ट मेरे तरह से, तुम बूढ़ो तुम बैठो तुम लार्ज हो, ये एडजेक्टिव हो गया, इसकी वर्ब क्या बनेगी? एनलार्ज, है ना। अब इन दोनों डिफरेंस क्या है? प्रोलोंग का मतलब होता है ड्यूरेशन को लंबा करना, जैसे क्लास का ड्यूरेशन लंबा करना है, जैसे 1 घंटे क्लास को 2 घंटा करना है, तो वहां पे प्रोलोंग कर दिया, टीचर ने प्रोलोंग कर दिया, लंबा कर दिया ड्यूरेशन को। एनलार्ज लंबाई को लंबा करना, जैसे रोड की लंबाई को लंबा करना है, तो रोड की लंबाई को क्या करेंगे? एनलार्ज करेंगे, समझिए। ब्रॉड और वाइड, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग है, दोनों में डिफरेंस है बहुत बड़ा। ब्रॉड होता है जैसे अपन, जैसे मैंने इंजीनियरिंग करी है, तो पहले बोलते थे कि इंजीनियरिंग का स्कोप है ना बहुत ब्रॉड है, ब्रॉड यानी चारों ओर फैला हुआ है, एकदम चारों, ये सर्किल है इसके चारों ओर ब्रॉड फैला हुआ है, ठीक है, ऐसा बोला, तो ब्रॉड है यानी चारों ओर पूरी हर तरफ से फैला हुआ है। और वाइड, रोड क्या होता है? वाइड होता है यानी चौड़ा होता है, क्योंकि वो बस ऐसे होता है, लंबा तो जाता ही है लेकिन वो ऐसे चौड़ा होता है, दो तरह से बढ़ता है ओनली, दो तरफ से, ठीक है, ठीक है। बस इतना ही है आज के लिए, जो इसका कुछ एक वर्ब्स और वो सारी वर्ब है, उसको मैं अगले पार्ट में लूँगा, एक और पार्ट दूंगा इसका वर्ब के लिए, उसके बाद अपन टीवी आईटीवी पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल वर्ब का मैंने मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बारे में कुछ एक इन्फॉर्मेशन दी है, कैसे नाउन से वर्ब बनती है, एडजेक्टिव से कैसे वर्ब बनती है, इसका एक और पार्ट अभी 1-2 दिन में डाल दूंगा मैं, तो उसको भी देखना, उसमें अच्छे से आपको वर्ब कंप्लीट हो जाएगी, आपको आइडिया मिल जाए कैसे कहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में किस चीज़ को कैसे कन्वर्ट करना पड़ता है, कहाँ पे क्या चीज़ नहीं आ सकती। जैसे वहाँ पे मेन वर्ब है, वहाँ पे मेन वर्ब भी आ सकती है, आप वहाँ एडजेक्टिव भरा हुआ, एडजेक्टिव को मेन वर्ब बनाओ, है ना, ऐसे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।